महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनके आदर्शों पर चलते हुए नशा मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। दक्षिणी दिल्ली के मोदी नगर क्षेत्र में देश भर के प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्थाओं एवं गणमान्य महानुभावों की गरिमामय उपस्थिति में नशा मुक्ति के खिलाफ एक जन जागरूकता आंदोलन चलाया गया, जिसका उद्देश्य समाज में नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करना एवं नशे में लिप्त हुए लोगों को नशा मुक्त होने की सलाह देना है। इस जन जागरूकता रैली में देश भर के प्रतिष्ठित एनजीओ ने भाग लेकर समाज की विसंगतियों को दूर करने का एक संदेश दिया। नशा मुक्त समाज के निर्माण से ही एक स्वस्थ एवं विकसित समाज का निर्माण हो सकता है। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने इस नशा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में मदद की। जो हमारा यूथ है जो आज नशे की नशे बहुत ले रहा है, नशे की तक जा रहा है और लिप्त हो जा रहा है नशे में, जिनके पेरेंट्स, जिनके रिश्तेदार, नातेदार सभी परेशान है आज नशे की वजह से, क्योंकि ये यूथ है जिसे शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए जो नशे की तरफ जा रहा है। आज अम्बेडकर नगर में हर छोटे से बड़ा बच्चा नशा का सेवन कर रहा है और यहाँ पे अवैध नशा बहुत आम बात है कि कहीं से भी ले लो। तो इसीलिए हमने एक मुहिम निकाली है, हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जवान हैं, जो नशे की लिप्त जब जड़ों तक जा चुके हैं, जो लिप्त हो चुके हैं नशे में, उनको जागरूक करना है और उनको दिखाना है कि आप क्या कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर में आप कैसी मुहिम छेड़ रहे हैं और कितना सहयोग मिल रहा है आप लोगों का? सर, मैं बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर नगर में टीम अम्बेडकर नगर द्वारा नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान रैली चलाई जा रही है। यह रैली 1 सितंबर 2019 को भी हुई थी, जो काफी सफल रही थी। टीम अम्बेडकर का नशे के खिलाफ मुहिम चलाने का सिर्फ एक मकसद है कि अम्बेडकर नगर को नशे से मुक्त करना है, अम्बेडकर नगर के मुक्त करना है। यहाँ पे जो बेसिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा पे सुधार पे जोर देना है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो देश का भविष्य है, देश का उज्जवल भविष्य है, देश की नींव है, उन लोगों को बताना है कि मित्रों, दोस्तों, बच्चों, शराब पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई सहायता प्राप्त हो रही है आपको? सरकार की तरफ से ये है, छोटी छोटी जब भी हम कोई कार्रवाई करते हैं तो सरकार हमें थोड़ा साथ देती है, हमारे साथ बट दो से तीन चार दिन पांच दिन या 6 दिन के लिए होती है। इस मुहिम को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? सर, इस मुहिम को हम आगे तक ले जाना चाहते हैं, सभी जनप्रतिनिधि के पास जाना चाहते हैं, शासन, प्रशासन, पुलिस, हम तीनों से कहना चाहते हैं कि इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए, अम्बेडकर नगर को नशे से भगाइए। अम्बेडकर नगर में नशे की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर अवैध नशा काफी मात्रा में बेचा जाता है, जिसकी रिटर्न कंप्लेंट टीम अम्बेडकर द्वारा विभिन्न विभागों में दी जा चुकी है, मगर शासन प्रशासन की लोलुपता के कारण, इसके सुस्त व्यवहार के कारण ये अम्बेडकर नगर में नशे का व्यापार बढ़ रहा है, जिससे आने वाला हमें अम्बेडकर नगर के बच्चे, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा पुत्र और किसी भाई बहन, किसी परिवार में से कोई जब परिवार बर्बाद होता है तो उसमें हमें बहुत पीड़ा होती है।